थे मेरे छोटे से सरदार जी। देखना फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में तूने फर्स्ट आना है। अच्छा चल जल्दी से वो सुना जो मैंने तुझे सिखाया था। ये मिट्टी, ये हवा और ये पानी और कहीं ना जनाब, सब तो सोना सब तो प्यारा मेरा पंजाब। असल की कटाई शुरू हो गई है। बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी बैसाखी पापा। तेनु भी तेजो। थैंक यू। तेजो ये तेरी आखिरी बैसाखी है इस घर में पुत्र। पापा दोनों तो इमोशनली हो गए। मैंने तो सोचा था कि सब एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि अगली वैसाखी हमने मनानी है कहाँ। ओए बारी बरसी खटन की आसी। ओ खटके की ले आंदा। ओ खटके ले आंदी राखी। ओए होए अगले साल मनावांगे असि विच कनेडा वैसाखी। अगले साल मनावांगे असि विच कनेडा वैसाखी। अगले साल मनावांगे। इस साल पापा के बिना ही बैसाखी बनाना पड़ेगा। हैप्पी बैसाखी। हैप्पी बैसाखी। आप अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करते हो। वी लव यू पापा। आई लव यू टू। आई लव यू फुफर जी। आई लव यू टू बुत्ता जी। हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जाओ जाके दान दे आओ। सरब ब्रो, रब तो लग लग शुक्र है कि तुम आ गए। हैप्पी बैसाखी। हैप्पी बैसाखी जी। देखा मैंने क्या कहा था, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े मैं अपने भाई को सही सलामत वापस घर लेके आऊंगी। कुलवंत कौर के होते हुए किसी की मजाल जो मेरे जुआई जी को हद भी ला सके। वीर जी हैप्पी बैसाखी। हैप्पी बैसाखी। पर वीर जी ये करिश्मा होया किदा? आ गया बॉर्डर, पहुंच गया हरियाणा। आप मेरे भाई को कहीं नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा हमें? कोर्ट का ऑर्डर। भूल रहे हो तुम, आज कोर्ट बंद है। कोर्ट बंद है लेकिन जज का घर खुला है। हलीन जी मारो इसके मुंह पे कोर्ट का ऑर्डर। वैष्णो बेदी जस्टिस वी के कोहली के बेल ऑर्डर्स। यू हैव टू लीव माई ब्रदर राइट नाउ। वेल डन आंटी जी, वेल डन बेबी। इसी बात पे अरे तो थमने गाड़ी रोकण की जरूरत के थी। चिंता ना कर चौटाला, कब तक बचेगा ये सरबजीत? मैं ना चाहता कि सरबजीत को हमसे बचने की तैयारी करने का एक भी मौका मिले।
मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मास फ्रेंड, आप इधर क्यों खड़े हो? चलो ना। नहीं, आप जाओ, मैं बाद में आती हूँ। नो, बाद में नहीं, अभी। आपको भी ये सारा सामान टच करना होगा, फिर तो बाबा जी आपको ब्लेसिंग देंगे, है ना पापा? हाँ जी पुत्र जी। संध्या जी आइए ना, आप भी हाथ लगा दीजिए। सरबजीत जी, मैं जानती हूँ मैं आपके माफी के भी लायक नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। आपका हंसता खिलता परिवार मेरी वजह से बिखर गया और अब ये सारी मुसीबतें भी सिर्फ मेरी वजह से। नहीं संध्या जी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब का सब उस राजन चौटाला की साजिश है। और वैसे भी सच क्या है आप जानती हैं, मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है, मेरी महर्षि जानती है और मेरा रब जानता है। इसके अलावा कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी जिंदगी भी बिखरी है, इसलिए आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मैं क्या सारे अनुभव विसाखी दिया, लख लख बधाइयां। बधाइयां जी, बधाइयां। आज की पहली परफॉर्मेंस करेंगे सरबजीत जी और बच्चे। चलो ना जल्दी आओ। I'm sorry, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, हमने विसाखी का दान दे दिया, पाठ कर लिया, एक दूसरे को बधाइयां दे दी, बस मेरी महर जी के बिना यहां कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। सॉरी बच्चों, जाओ जाके कोई और गेम खेलो। सवेरे तक मुझे जवाब चाहिए, प्यार या परिवार। ये क्या कर रहा है तू? मत मारी गई है तेरी, कहीं नहीं जा रहा तू। मम्मी यार, कम से कम आप तो समझो। क्या समझू मैं? तू कहीं नहीं जा रहा, बस कल खत्म। तो क्या करूं मैं, भूल जाऊं जैस्मिन को? तू बस ये याद रख कि तेरे पापा ने क्या कहा था। वही तो कर रहा हूं, उन्हें तो पड़ी नहीं है मेरी खुशियों की। उन्होंने तो सुना दिया ना अपना फैसला। जब उन्हें अपना फैसला बदलना नहीं है तो मैं क्यों बदलूं? वाह पुत्र वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम प्यो पुत्र के फैसले में ना इस तो मैं ही रही हूं ना। एक बात कान खोल कर सुन ले फते, एक बेटी खो चुकी हूं, बेटा नहीं खो सकती। तुझे कनाडा जाना है ना, जा कि मुझे बता दे कि मेरी गलती क्या है। यार मम्मी, आपकी कोई गलती नहीं है। तो फिर किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे? तो मैं क्या करूं, मैं पापा की जिद के आगे अपने प्यार का गला घोट दूं? आज तक उनकी कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी? वो मेरी एक बात नहीं मान सकते? मम्मी, मैं बहुत प्यार करता हूँ जैस्मिन से,
अपनी जान से भी ज्यादा जिंदगी है वो मेरी। ठीक है पुत्र, तू मेरी एक बात मान, तेरी जब तक जॉब नहीं लगती ना कनाडा में, तू यही रह। ओ, नहीं यार मम्मी, पापा ने नहीं मानना है। फते, तुझे सो है मेरी, जब तक तेरी जॉब कनाडा में नहीं लग जाती तू यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तब तक मैंने तेरे पापा को मना लेना है। अच्छा ठीक है, चल जा, जल्दी से कपड़े बदल ले और नीचे जाके सबको बैसाखी की बधाई दे। ठीक है? हैप्पी बैसाखी मम्मा। तुझे भी बैसाखी की बधाई। रोया मत करो। ओए तेजो, तू कर क्या रही है, जल्दी कर यार, हमने टाइम से पहुंचना है फंक्शन में। हाँ चल जल्दी कर। ओ तेरी, एक मिनट, फोन आ गया जैस्मिन का। हाय जीजू, हैप्पी वैसाखी। हैप्पी वैसाखी साली साहिबा। हैप्पी वैसाखी टू यू टू जी। अब जीजू आपको पता है हमारे पिंड में ना हर साल बढ़िया ही फंक्शन होता है वैसाखी का, इस बार आपको भी आना है। ओके अच्छा जी। नहीं नहीं पुत्र, ये कैसे आ सकता है, शादी के कितने काम है। मम्मी जी प्लीज। तेजू जी मैं थोड़ी देर के लिए सही। कोई जरूरत नहीं है जाने की, लोगों की नजरों में आना है क्या। तो तुझे पता है हमने लोगों के साथ इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, उनमें से कोई वहाँ मिल गया तो। प्रीत तो पक्की सहेली है जैस्मिन की, अगर वो वहाँ आ गई तो। हेलो, वो सॉरी, वो कॉल ड्रॉप हो गया था। नो इट्स ओके, वो मैं कह रही थी कि जीजू आप आ रहे हो, ये मेरा ऑर्डर है। और आपको पता है वहाँ पे कौन आने वाला है, नेशनल अवार्ड विन करने वाले सिंगर दीप राज। ओ वाओ, अच्छा जैस्मिन तुम तो वहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ होगी ना, वो नैंसी, डिंपल और वो क्या नाम है, प्रीतो। तो मतलब तुम तो उनके साथ वहाँ बिजी रहोगी, तो मैं यार क्या ही करूँगा वहाँ पे आके, तुम लोग इंजॉय करो। नहीं यार जीजू, प्रीतो तो नहीं आएगी। पहली गल तो ये कि उसका पिंड बड़ा दूर है, बेचारी की बहन के साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ, एक फ्रॉड या कनेडा का झांसा देके लूट के भाग गया उसकी फैमिली को। अब सब आपकी तरह अच्छे थोड़ी ना आते हैं जीजू, तो आप आ रहे हो ना। या श्योर। ओ यस, अब तो आपकी बुढ़बी भी खुश हो गई। ये ना जल्दी कुछ भी बोलती रहती, आई एम सॉरी। वो मैं कह रही थी कि मैंने आपके फ्रेंड को भी कॉल कर दिया है, फतेह। मिस्टर राजन टॉयलेट। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, मैंने आपके बैसाखी के कपड़े निकाल दिए। मैं जी क्या कर रही हैं आप? वही जो आप नहीं कर पा रहे। जश्न मनाने से मना क्यों किया? मैं आपके बिना जश्न मनाना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सरबजीत जी अपने बारे में नहीं, बच्चों के बारे में सोचिए। देखा कितने एक्साइटेड थे वो जैसे ही आप घर आए कि ये अब पापा आ गए, अब शोशनाक हम बैसाखी का जश्न मनाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, जब तक आपकी मम्मा घर नहीं आ जाती इस घर में कोई जश्न नहीं मनेगा। सरबजीत जी आज त्योहार का दिन है, मैं अपने बच्चों को आपको खुश देखना चाहती हूँ, हंसते हुए देखना चाहती हूँ, क्यों मायूस नहीं। इसलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। जी मैम। सर जी जी मुझे कुछ नहीं सुन, आपको मेरी याद आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे याद करें खुश होके, हंस के नाच के मेरे फेवरेट कपड़े पहन के, और हाँ थोड़ा नाच के भी, भांगड़ा शांगड़ा हो जाए, कमर शमर लचका के। मैं भी तो देखूं कि जब मेरे सोने सरदार जी भांगड़ा पाते हैं तो मेरी दिल की धड़कनें कितनी तेज होती है। गल है। यही गल है। तो फिर ठीक है, अब देखना ये आपका मिस्टर जटन टॉयलेट आपके दिल की धड़कनों को कैसे बढ़ाता है। तो मिल जाएगा वो तुझको। लेकिन मैं
बाबू जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पुत्र, सत श्री अकाल। विसाखी दी लख लख वधाइया जी। आ चंदे तुहानू भी बहुत बहुत वधाइया। खाना तैयार है, खा के जायो। ठीक है जी, चलो उठ बन के तेरी पगड़ी। थैंक यू बापा जी। जैस्मिन नाम है उसका, बहुत प्यार करता हूँ उसे। जैस्मिन सिर्फ किसी कनाडा वाले मुंडे से ही शादी करेगी। और मैं कनाडा जाके ही रहूंगा। बाबूजी, हैप्पी वैसाखी। बाबूजी हैप्पी वैसाखी। सुनो जी, आज त्योहार का दिन है तो आज के दिन आप सब कुछ भूल नहीं सकते। सुनो जी, जो पुत्र के सर पे पग बांधता है, परसों से ये हमारे परिवार की रीत है। जब पुत्र परिवार की ही नहीं मानता तो प्योर रीत को क्यों माने। पापा मेरी बात तो सुन। मैं तेरे नाल गल नहीं कर रहा, और तू भी मुझसे तभी बात करना जब तेरे दिमाग से ये कनाडा वाला भूत निकल जाए। सुरेंद्र गड्डी काट। किथे चले बेटा? बाबूजी वो पार्टी दफ्तर जा रहा हूँ, बाहर से कुछ लोग आए हैं, उनको भी साखी का त्योहार दिखाना है। पापा आज तो त्योहार का दिन है ना, तो जा मना उसी के साथ जिसके लिए तू अपना परिवार, अपना पिंड, अपना पंजाब और अपना देश छोड़ रहा है। सारे नु विसाखी दिया लख लख वधाइया। जो बोले सो निहाल। ओ डीजे वाले बाबू, मेरी बेबी का गाना चला दे। हैप्पी बैसाखी। हैप्पी बैसाखी साली।